साधना और समाधान चैनल देख रहे सभी भक्तजनों को जय माता की। माता रानी के भक्तजनों, आज जो विधि, जो उपाय, जो टोटका मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अगर आपके घर में कोई गंदा पहरा लगा हुआ है, कोई अघोरी का पहरा अगर आपके घर के ऊपर लगा हुआ है, वह पहरा कैसे भी लग सकता है, या तो आप किसी टूने टोटके के ऊपर से कई बार गुजर जाते हैं तब भी आपके ऊपर ये गलत पहरा लग जाता है, या फिर कोई तंत्र, कोई साधक भी आपके ऊपर ये गलत पहरा लगा देता है, ये बुरा पहरा, गंदा पहरा आपके ऊपर लगा देता है। और इसका जो समाधान है, इस पहरे का जो समाधान है कि एक चपाती से, केवल एक रोटी के द्वारा आप कैसे इसका समाधान कर सकते हैं, उसके बारे में भक्तजनों मैं आपको बताने जा रहा हूँ। बिल्कुल सरल विधि है भक्तजनों, अगर आपके घर के ऊपर भी कोई गलत पहरा, कोई गंदा पहरा लगा हुआ है, या आपके शरीर के ऊपर कोई गंदा पहरा लगा हुआ है, तो उसका निवारण आप एक चपाती, एक रोटी से कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में भक्तजनों मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये जो गलत पहरा होता है भक्तजनों, अघोर का जो पहरा होता है, जो हम साधना करते हैं, सिद्धियाँ करते हैं, हर भक्तजन तो ऐसा कार्य नहीं करता कि किसी का वह बुरा करता, लेकिन कुछ इन सिद्धियों की प्राप्ति करने के बाद लोगों का बुरा करने लग जाते हैं, तो वह लगा देते हैं इस प्रकार से आपके घर के ऊपर, आपके परिवार के ऊपर, आपके शरीर के ऊपर, कई बार इस प्रकार की गलत क्रिया कर देते हैं और आपके घर में ये गंदा पहरा लग जाता है। और इसकी निशानियां क्या हैं भक्तजनों, जिनके घरों में भी या जिनके शरीर के ऊपर भी ये गलत पहरा, ये गंदा पहरा, ये अघोर की विद्या जिनके ऊपर लगी हुई है, और आपने इसका निवारण कैसे करना है भक्तजनों, उसके बारे में मैं इसकी आपको संपूर्ण विधि इस वीडियो में भक्तजनों मैं बताऊंगा। ये जो गलत पहरा होता है, गंदा पहरा होता है भक्तजनों, स्त्रियों को जेंट्स के रात्रि को सपने आते रहते हैं, भोग विलास के सपने आने लगते हैं, और जो जेंट्स होते हैं घर में उनको स्त्रियों के सपने आने लगते हैं, भोग विलास के सपने आने लगते हैं, इसको बोलते हैं भक्तजनों गंदा पहरा। ऐसा ही नहीं भक्तजनों के इस अघोर विद्या के द्वारा, इस गंदे पहरे के द्वारा आपको केवल भोग विलास के ही सपने आते हैं, इसके अलावा आपको रात्रि को कूड़े के ढेर दिखने लग जाते हैं, गंदगी दिखने लग जाती है, जिसके ऊपर भी इस प्रकार की विद्या लग जाती है, और जिसके ऊपर भी यह पहरा लग जाता है उसके बाद उन व्यक्तियों का नहाने को मन नहीं करता, किसी काम पे जाने को मन नहीं करता, और जो भी आपका काम होता है वह बिल्कुल निष्फल हो जाता है, उसमें बरकत नहीं रहती भक्तजनों। और जो भी आपके घर के इष्ट होते हैं, जिस भी देवी देवता की आप मानता करते हैं मन से, उसका आपको फल प्राप्त नहीं होता। जो भी आपके घर में कोई अच्छी ऊर्जा होती है वह घर से बाहर चली जाती है, इस नेगेटिव ऊर्जा के कारण जो भी आपके घर में ये गंदा पहरा लग जाता है। तो भक्तजनों, एक चपाती के द्वारा कि एक रोटी के द्वारा आप इसका कैसे निवारण कर सकते हैं, बिल्कुल सरल सी भक्तजनों ये विधि है। तो भक्तजनों, जिन व्यक्तियों के ऊपर भी ये गलत पहरा लग जाता है, ये अघोरी का पहरा लग जाता है, तो इसका निवारण करने के लिए वह किसी तंत्रिकों के पास जाते हैं, साधकों के पास जाते हैं। कुछ तो तांत्रिक साधक अच्छे भी होते हैं, हर इंसान बुरा भी नहीं होता भक्तजनों। अगर तो आप अच्छे के पास चले गए तब तो आपका निवारण हो जाएगा, किसी ना किसी तरह से अपनी विद्या से वह आपका निवारण कर देते हैं। और कई बार आपको ऐसे कोई तंत्र, कोई साधक इतने ढोंगी मिल जाते हैं कि उसके बाद आपको चक्करों में डाल देते हैं कि आपको इसी ने करवा दिया, आपके ऊपर ऐसी विद्या लगा दी, तो आपका निवारण नहीं हो पाता। लेकिन आज जो मैं विधि आपको बताने जा रहा हूँ, ना ही आपने किसी तंत्र के पास जाना है, ना ही आपने किसी साधक के पास जाना, केवल एक चपाती, जो आप घर में चपाती बनाते हैं उस चपाती से, उस रोटी से आपका निवारण हो जाएगा। ये जो घोर का पहरा है, ये जो गंदा पहरा है, तो इसका निवारण हो जाएगा पूर्ण रूप से। तो आपने इस चपाती का जो उपाय है भक्तजनों कैसे करना है, उसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आपने अपने घर में एक चपाती बनानी है मीठी, इसमें आप शक्कर भी डाल सकते हैं और गुड़ भी डाल सकते हैं। एक चपाती बनानी है और इसकी एक साइड आपने कच्ची रखनी है और एक साइड ही आपने पकानी है। तवे के ऊपर इसकी एक साइड ही आपने सेकनी है और एक साइड इसकी भक्तजनों कच्ची रखनी है। और जो कच्ची साइड है भक्तजनों, उसके ऊपर आपने सरसों का तेल लगा लेना। सरसों के तेल से वह चपाती आपने
चौपड़ लेनी है, और उसके बाद इस चपाती के ऊपर आपने किसी उंगल से भी आपने 7 टिक्के तो संधूर कुमकुम के लगाने हैं और 7 टिक्के काजल के लगाने हैं भक्त जनों। ये जो संधूर कुमकुम होता है उसमें पहले थोड़ा सा आप सरसों का तेल मिला लें, उसके बाद 7 टिक्के एक चपाती के ऊपर आपने संधूर के और 7 टिक्के ही भक्त जनों आपने काजल के कालस के टीके लगाने हैं आपने इस चपाती के ऊपर। और उसके बाद भक्त जनों यह जो चपाती है इसको आपने पूरे घर में से वारना, दिन कोई भी हो भक्त जनों किसी दिन भी आप ये उपाय कर सकते हैं। और ये जो उपाय है भक्त जनों 3 दिन रेगुलर आपने इसी विधि के अनुसार करना है जैसे मैं आपको ये बता रहा हूँ। और इस चपाती को आपने पूरे घर में से वारना है, जिस व्यक्ति के ऊपर भी, किसी स्त्री या पुरुष के ऊपर जिसके ऊपर भी ये पहरा लगा हुआ है उसके ऊपर से आपने 7 चक्कर लगाने हैं, 7 बार इसको उल्टा घुमाना है एंटी क्लॉक वाइज इस चपाती को, जिसके ऊपर 7 टिक्के संधूर के और 7 टिक्के ये काजल के लगे हुए हैं। और उसके बाद पूरे घर में से वारने के बाद, पूरे कमरों में वारने के बाद, जो भी आपकी गाड़ी वाहन है उसके ऊपर से आपने इस चपाती को वारना है। और उसके बाद इस चपाती को आपने रख कर आना है, जा तो माता मदानन के, जहाँ पर माता रानी के थान बने हुए होते हैं वहाँ पर भी आप इस चपाती को रख कर आ सकते हैं, या फिर आप किसी खुले कलर मैदान में भी आप इस चपाती को रख कर आ सकते हैं। और ये जो विधि है 3 दिन रेगुलर आपने इस विधि का भक्तजनों प्रयोग करना है। अगर आप ऐसा प्रयोग करेंगे तो आपके घर में जो भी कोई गलत पैरा है, अघोर का पैरा है, तो इस चपाती से उसका निवारण होगा, क्योंकि वो जो गंदी चीज़ होगी, जो गलत पैरा होगा, वह माता मदानन जी के अंडर हो जाएगा अगर आप इस चपाती का उपाय करेंगे। और ये चपाती बाहर डालने के बाद जब भक्तजनों आपने अपने घर में आना है तब आपने कच्ची लस्सी का अंदर से बाहर को छींटा लगाना है पूरे घर में, या कच्ची लस्सी का छींटा लगा दें भक्तजनों, या फिर आप गंगा जल का छींटा भी पूरे घर में लगा सकते हैं। उसके बाद आप अपने घर में धूप दीप करें, सुगंधित कोई चीज़ छिड़क सकते हैं, इससे आपके घर का निवारण हो जाएगा। पहले दिन चपाती पाने से ही ये जो गलत पैरा है, जो गंदा पैरा है, आपको सपने आने बंद हो जाएंगे और आपके कष्टों का निवारण हो जाएगा, इस घोर विद्या से आपका छुटकारा हो जाएगा भक्तजनों। अगर श्रद्धा के अनुसार, इसी विधि के अनुसार भक्तजनों आप ये उपाय करेंगे एक चपाती के द्वारा, इसके लिए आपको किसी तंत्र, किसी साधक के पास जाने की जरूरत नहीं भक्तजनों, केवल एक चपाती ही आपने ये डालनी है। 3 दिन रेगुलर भक्तजनों आप इस विधि का प्रयोग करते रहें। तो हाँ माता रानी के भक्तजनों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको आप लाइक और शेयर करें, साधना और समाधान चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह से एक नई विधि, एक नई साधना, एक नया उपाय लेकर आपसे फिर मिलेंगे। तब तक माता रानी के भक्तजनों जय माता काली, जय बाबा भैरवनाथ।